एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलन्यूव लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन Jack Mel एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस एंटरटेनमेंट इस भी डिस्ट्रीब्यूट ये वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज गया ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीवस सिमस एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक्स है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नैन् फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का 26 साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइये की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिसनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें ए किए एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है, Jack Mel है, है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस इंटरटेनमेंट उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया वॉर्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलीसा लो एज हॉली जोस के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डेलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास्ट मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीवस सिमस एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स काता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी सी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिसनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी किए रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट उस मेवी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सितंबर 2013 को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटियस एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काला ड्रिवियज सीम एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कह रही कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और कुल पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं, लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूल के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलई और डन डॉन के तहखाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिस्नर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक गेलेनहाउ, वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें को सीनेफी किए रॉगर ए डिकेंस, एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट उस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइट स्टेट्स ने और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स की मीस लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें जैक महक जैकमेन एस केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एज एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एज बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एज फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ अन्ना और जॉय गा रहे थे। किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और ज्वाइन के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास, में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूलैये के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेला के एक भूल भुले और डॉन की लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दी है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डिक्स एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट प्रोडक्शंस मेड उस इंटरटेनमेंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टी को और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिस लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन एज स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एज एस एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में केलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह तो उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और ज्वाइन के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलै की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल भुलैया बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का के लिए माफ़ी मांगने मांगने होली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिशनर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिश्नर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग है हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी की रॉगर ए डेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है, है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट इस मूवी तो 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 को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइट स्टेट्स है जिसका बॉज एड फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन एस स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीव एस एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोवेर और उनका परिवार थैक्स है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आई क्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी यह उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार और, और जॉय गा अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर का इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइये की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने होली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिश्नर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलन्यूव लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन Jack Mel एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज गया से। ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू तो थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉज फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीवस सिमस एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एस कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक्स है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है, जहां उसे एक छिपे हुए खाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि सोलह बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ दिया। इसके आधार और, और जॉय गा अपहरण कर लिया एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नैन् फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का 26 साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुल की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन की तखाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें ए किए एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन Jack Mel एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वॉर्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेहक जैकमे स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलिन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड मैल एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोल एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काला ड्रिवियज सीम एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल के उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स काता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जाय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास, निवासों में सेन, सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुल की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुले और डन डॉन के तह में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समान समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ, वायोलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी किए रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट इसमें मेवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका तो रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटियस एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काला ड्रिवियज सीम एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कह रही कैरियो एस फादर पैट्रिक डनल के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं, लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूल के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन की तखाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी कोस्की प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक गेलहा वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीमोग्राफी किए रॉगर ए डिकेंस, एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन मेड हाउसमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाटेड स्टेट्स कीजी मूवी है जिसका बॉक्स फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्सन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लॉ एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एस एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एज एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एज बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें गाली देते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे। किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया उन एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूलैये के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने होली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दी है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी कोस्की प्रोड्यूस किए ब्रॉड जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग है हक जैकमैन जैक हाउ वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डेंस एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट प्रोडक्शंस मेड उस इंटरटेनमेंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंडें थर्टीन स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिस लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्सर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लॉ एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीमस एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के, 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 के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आई क्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी यह उसके घर में कोई भौतिक प्रमाणित प्रमाण नहीं मिला है लोकी स्थानीय यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में केलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह तो उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और ज्वाइन के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास, निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूलैये की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी और इसे एटी गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग है हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी की रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है, है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट उस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया थर्टी अगस्त टू थाउजेंड 2013 को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टाइम कैमरा वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉज एड फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और बॉक्सर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन एस स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एस एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोवेर और उनका परिवार थैक्स है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है, जहां वह चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आई क्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी यह उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने खाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि सोलह बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार और, और जॉय गा अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नैन्सी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइया की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की डेनिस वेलन्यूव लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस की ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन Jack Mel एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस एंटरटेनमेंट इस भी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज गया ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉज फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा मिलियन डॉलर रहा तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डेलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एस कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक्सवी है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है, जहां उसे एक छिपे हुए खाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि सोलह बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ दिया। इसके आधार और, और जॉय गा अपहरण कर लिया एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नैन् फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइये की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू एसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी की रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस इंटरटेनमेंट उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया वॉर्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमे स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डेलन मिनेटियस रॉफ रोवर के रोल में डेविड डास डास्ट मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीवस सिमस एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एस कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जाय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी सी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह तो उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर टेलर के मिलने पर निकल जाता है। लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुल की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डॉन के में लास से संबंधित एक हार की बीच सामना, देखी। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कॉसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई ए किए एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट उस मेवी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका 46 रहा। इसका hand, रहा। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटियस एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काला ड्रिवियज सीम एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कह रही कैरियो एस फादर पैट्रिक डनल के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और कुल पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं, लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूल के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन की तखाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स इस दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ, वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें को सीमोग्राफी किए रॉगर ए डिकेंस, एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी थर्थ, एट प्रोडक्शन मेड हाउसमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू तो थाउजेंड थर्टीन को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइट स्टेट्स कीजी मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके तो तो कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक स्केलर लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिर्च के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एज एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एज ब्रिज के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एज फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार हैक्सवी थैक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें गाली देते हुए, देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे। किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया उन एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और ज्वाइन के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास, में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूलैये के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुले और डन डॉन की तखाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिशनर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपके मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे गूगल इस यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स इस दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी कोस्की प्रोड्यूस किए ब्रॉड जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग है हक जैकमैन जैक गेनहायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी किए रॉगर ए डेंस एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट उस इंटरटेनमेंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सितंबर थर्टीन को में और इसका रनिंग टाइम वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री और ये स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है Osionfish. जिसका बजट एड सिक्स मिलियन डॉलर रहा जिसका बॉक्सर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लोव एज हॉली जोस के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एज सीमस एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है, जहां वह चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आई क्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी यह उसके घर में कोई भौतिक प्रमाणित प्रमाण नहीं मिला है लोकी स्थानीय यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में केलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह तो उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और ज्वाइन के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास में सेन सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूल की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी की रॉगर ए डेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है, Jack Mel है, है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट थर्थ, टी एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइट स्टेट्स है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्सन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मक जैकमेन एज स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्च के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरच के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास्ट मेलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोवेर और उनका परिवार हैक्सवी गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपने चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने खाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि सोलह बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार और, और जॉय गा अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर का इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइया की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन के तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिश्नर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे टू गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस की ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी है रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस एंटरटेनमेंट इस भी डिस्ट्रीब्यूट so, ये वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू तो थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉज फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा मिलियन डॉलर रहा तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डेलन मिनेटी एस राफ रोवर के रोल में डेविड डास डास मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक्स है, थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है, जहां उसे एक छिपे हुए खाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि सोलह बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में केलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का 26 साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलइये की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का, के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल बुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिसनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिशनर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दी है और इसे गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए है जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू एसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ, वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोईग्राफी की रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन्स मेड हाउस इंटरटेनमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वॉर्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमित ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग टैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा बॉक्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक मक स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोस के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डेलन मिनेटियस रॉफ रोवर के रोल में डेविड डास डास्ट मैलचिन एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एस ऑफिस कार्टर के रोल में जोई सोलस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसिमोविच एस एना डोवर के रोल में कैला ड्रीवस सिमस एस जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एस कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स काता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उससे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर टेलर के मिलने पर निकल जाता है। लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुल की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुले और डन डन में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समान समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉडरिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू कोसवी, एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक हाउ, वायोलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें को सीनेफी किए रॉगर ए डिकेंस एडिट किए जोएल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी थर्थ, एट प्रोडक्शंस मेड हाउस इंटरटेनमेंट उस मेवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्सोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वेंटी डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें स्केलर डोवर के रोल में गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बर्ज के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटियस एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काला ड्रिवियज सीम एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कह रही कैरियो एस फादर पैट्रिक डनल के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलेविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और योन अपराधी और कुल पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ ही एक घटना जिसमें किलर ने एलेक्स को अपने कुत्ते के गोली गाली देते हुए देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे किलर ने एलेक्स को अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी नंसी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती हैं, लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जॉय के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूल के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलई और डन डॉन के तहखाने में लाश से संबंधित एक हार की बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिस्नर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिस्नर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी बी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे एटी गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिश्नर्स ये दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी को प्रोड्यूस किए ब्रॉड्रिक जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें हक जैकमैन जैक गेलहा वायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ड, मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें को सीमोग्राफी किए रॉगर ए डिकेंस, एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट टी एट प्रोडक्शन मेड हाउसमेंट इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोज पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू राइट फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी से थर्टीन को यूनाइट स्टेट्स ने और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स कीजी मूवी है जिसका बजट फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें महक जैकमेन एस केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एस नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरज के रोल में मेलिसा लॉ एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एज एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉल्फ डोवर के रोल में डेविड एस बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेम्स एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एज एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एस सीम्स एज ब्रिज के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एज फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एज एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्स गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स दस साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पूर्व पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें गाली देते हुए, देखा और एक गाना गाते हुए अन्ना और जॉय गा रहे थे। किलर ने को अपहरण कर लिया एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में किलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए मना लेती है लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था और उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड़ वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन, सेन लगाता है केलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर की इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्डे वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है क्योंकि टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भूलैये के चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं किलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफ़ी का के लिए माफ़ी मांगने मांगने हो ली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसके दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डॉन में लास से संबंधित एक हार की बीच सामना देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिश्नर इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिशनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिश्नर्स मूवी के बारे में तो दोस्तों ये 2013 दो की थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो कि टू आवर एंड थर्टी थ्री मिनट की है इस मूवी को आई एम डी ने एट पॉइंट वन टेन में से रेटिंग दिया है और इसे कॉमन सेंस ने फोर फाइव में से रेटिंग दिया और इसे गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्रिशनर्स इस दो की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेनिस वेलैन्यू लिखे हैं एरन गोजी कोस्की प्रोड्यूस किए ब्रॉड जॉनसन कीरा डेविस एंड्रू ए कोसवी एडम कोलब्रेनर इसमें स्टारिंग है हक जैकमैन जैक गेनहायलो डेविस मारिया बेलो टेरेंस हॉवर्ट मेलिसा लेओ, पॉल डेनो इसमें कोई सीनेफी किए रॉगर ए डेंस एडिट किए जोइल कॉक्स गैरी डी रोच इसमें म्यूजिक दिए जॉन जॉनसन इसमें प्रोडक्शन कंपनीज है, है एलकॉन एंटरटेनमेंट एट प्रोडक्शंस मेड उस इंटरटेनमेंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स सुमिट इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल ये मूवी थर्टी अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन को टेलू फिल्म फेस्टिवल में रिलीज है ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टी को और इसका रनिंग कैमरा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिस लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट फोर्टी सिक्स मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा तो इसके कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें मेह जैकमेन एज स्केलर डोवर के रोल में जिक गैलेन हॉल एज डिटेक्टिव लोकी के रोल में वायलो डेविज एज नैंसी बीर्ज के रोल में और मारिया बेलो एज ग्रेस डोवर के रोल में और टेरेंस हॉवर्ड एज फ्रेंकलिन बिरच के रोल में मेलिसा लो एज हॉली जोन्स के रोल में पॉल डेनो एलेक्स जोन्स के रोल में डेनिस क्रिस्टोफर एज मिस्टर जोनस के रोल में डायलन मिनेटी एस रॉफ डोवर के रोल में डेविड बॉब टेलर के रोल में ब्रेड डेंस एज ऑफिस कार्टर के रोल में जोईसोल एस एलिजा बिर्च के रोल में एरिन ग्रेसीमोविच एज एना डोवर के रोल में काइला ड्रीव एज सीमस एज जॉय बिर्च के रोल में वायन डू डू एज कैप्टन रिचर्ड्स ओ के रोल में Lynn कैरियो एस फादर पैट्रिक डनन के रोल में जेफ पॉप एस एलियट मिलान के रोल में तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स पेंसेलिविया में बढ़ाई केलर डोविर और उनका परिवार थैक, थैक्सवी थेक, गिविंग के लिए अपने पड़ोसियों बीचेस जाते हैं उसे शाम परिवार की बेटी अन्ना और जाय गायब हो जाती हैं जासूस लोकी ने केलर के बेटे द्वारा बताए गए आरवी को चलाने वाली एक व्यक्ति एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद लोकी एलेक्स के घर जाता है जहां वह अपनी चाची होली के साथ रहता है लोकी ने बाद में डोवर्स को बताया कि एलेक्स 10 साल की उम्र में आईक्यू के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है और आरवी या उसके घर में कोई भौतिक प्रमाण प्रमान नहीं मिला है लोकी स्थानीय और यौन अपराधी और पुलिस पुजारी पैट्रिक डॉन की जांच करता है जहां उसे एक छिपे हुए तहखाने में एक लाश मिलती है डॉन ने खुलासा किया कि 16 बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल करने के बाद उसने उस, उस आदमी को मार डाला अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया गया अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किलर पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स पर हमला करता है जिस दौरान एलेक्स कहता है वे तब तक नहीं रोए जब तक मैंने उन्हें छोड़ा छोड़ दिया इसके आधार पर साथ अपहरण कर लिया और एलेक्स को उसके बचपन के घर में बंदी बना लिया जॉय के पिता फ्रैंकलिन अनिच्छा से कई दिनों तक एलेक्स से पूछताछ करने और उसे प्रताड़ित करने में केलर का साथ देते हैं उसकी पत्नी फ्रैंकलिन को रुकने के लिए माना लेती है। लेकिन किलर को नहीं आने का फैसला करती है लोकी खाली घर के पिछले मालिक से मिलने जाता है और भी को श्रीमती मिलिंद के सामने खड़ा देखा गया था वह उसे बताती है कि उसके बेटे बैरी का छब्बीस साल पहले अपहरण कर लिया गया था और वह अभी कभी नहीं मिला जागरण के दौरान अन्ना और जोयल के लिए लोकी पीछा करता है और हुड वाली आकृति को पकड़ पकड़ने में विफल रहता है जो तब डोवर और बर्स निवास निवासों में सेन सेन लगाता है किलर की पत्नी ग्रेस जो एक डॉक्टर के पर्चे की दवा की लत में पड़ गई ने इस पर ध्यान दिया एलेक्स को लापता होने के संदेह में लोकी किलर के इमारत तक पीछा करता है लेकिन हार्ड वाले आदमी बॉब टेलर के मिलने पर निकल जाता है लोकी टेलर को हिरासत में ले लेता है और पता चलता है कि उसके घर की दीवारों दीवारें भूल भुलै की चित्रों से ढकी हुई है वह सांपों और खूनी कपड़ों से भरे कई बंद टोकरी पर ठोकर खाता है टेलर अपहरण की बात कबूल करता है और अपने पूछताछ कक्ष में भूल भुलैया बनाता है निराश होकर लोकी उस पर हमला करता है लेकिन टेलर दूसरे अधिकारी की बंदूक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है डोवर और बीच परिवार खून से सने कपड़ों की तस्वीर को अपने बच्चों के रूप में पहन पहचानते हैं केलर एलेक्स पर हमला करने के लिए काफी म, का के लिए माफ़ी मांगने मांगने होली जाती है उसे पता चलता है कि उसने और उसकी दिवंगत पति ने अपने बेटे के कैंसर से मरने के बाद एलेक्स को गोद लिया था इस बीच लोकी ने टेलर के एक भूल भुलाई और डन डॉन की तह खाने में लाश से संबंधित एक हार के बीच सामना समानता देखी तो फ्रेंड्स इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको प्रिशनर्स इस मूवी को देखना होगा तो फ्रेंड्स प्रिसनर अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी बस आपके पास होनी चाहिए तो अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको पे करना होगा प्राइम वीडियो को तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें